हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि मैं किस तरीके से अपने पार्लर में अपने स्टूडेंट्स लोग को हेयर कटिंग करना सिखाती हूँ। तो यहाँ पे आप लोग सारी चीज़ें ध्यान से देखते हुए चलिएगा कि कैसे क्या करना है। सबसे पहले मैं इनको बता रही हूँ कि कटिंग करने के पहले आप हेयर को नीचे से स्ट्रेट कटिंग कर लें। तो एक बार मैं करूँगी, उसके बाद दोबारा से मैं अपनी स्टूडेंट से करवाऊँगी। तो हर किसी के देखे सिखाने का तरीका अलग होता है, लेकिन मैं बिल्कुल इसी तरीके से सिखाती हूँ। एक बार मैं करूँगी और उसके बाद इनसे करवाऊँगी। तो इससे क्या होगा कि ये बहुत ही परफेक्टली बिना डरे हुए एक ही बार में स्टेप्स कट करना अच्छे से सीख जाएंगी। तो ये देखिए, मैं इनको ग्रिप करना भी सिखा रही हूँ कि किस तरीके से आप फिर से करूँगी, पूरे हेयर को फिर से नहीं करूँगी, लेकिन जो मेन गाइडलाइन है उसको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बनाना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, अब मैं इनको बोल रही हूँ और कोम भी करना बताते जा रही हूँ साथ ही साथ कि आप कैसे कोमिंग करें। ये भी बहुत मतलब ध्यान देने वाली बात है, कोम करना भी आना चाहिए अच्छे से। तो देखिए, यहाँ से मैं इनको बोल रही हूँ कि आप मेज़र करें और इतना जितना भी एक्स्ट्रा लग रहा है उसे आप कट करेंगे। तो जब ब्यूटिशियन खुद साथ में खड़े होके किसी को सिखाता है ना, साथ ही साथ आप सिखाते हुए चलो, बताते हुए छोटी छोटी चीज़ों को, तो वो मतलब कोई भी कटिंग बहुत ही इजीली वो लोग कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैं एक बार फिर से चेक कर रही हूँ, पूरी प्रॉपर अच्छे से कटा हुआ हेयर था, लेकिन थोड़ा सा अनइवन था, उसको मैं यहाँ पर अच्छे से इवन कर ली हूँ। अब तीनों तरफ से देखिए गाइडलाइन निकालना है इस टाइप से, और जो भी एक्स्ट्रा हेयर बचेगा उसको सिक्योर कर दूँ। मैं साथ ही साथ इन लोग को समझाते भी जा रही हूँ, आप मेरा मुँह देख सकते हैं चल रहा है। और उसके बाद में पीछे साइड से देखिए, इस तरीके से हेयर की ग्रोथ के हिसाब से कितना घना है, कितना पतला है, उस हिसाब से इसे आप सेक्शन वाइज डिवाइड करेंगे। मैंने यहाँ पे 4 सेक्शन डिवाइड किए हुए हैं। तो जो दो सेक्शन है उसको मैं करूँगी, उसके आगे वाले जो दो सेक्शन है उसको मेरी स्टूडेंट्स करेगी। तो यहाँ पे ये देखिए, जो छोटा हेयर है मैं उनको बता रही हूँ कि छोटा हेयर गाइडलाइन है, और बड़े वाले हेयर को हमें इस तरीके से बराबर कट कर देना है। फिर से एक बार रीचेक कर लेंगे। और ये वाली जो कटिंग है, इस तरीके की कटिंग मैं और भी बता चुकी हूँ, लेकिन ये खास वीडियो उनके लिए है कि जैसे लोग पूछते ना कि मैम आप कैसे अपने स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस करवाते हो, कैसे सिखाते हो, तो आज आप लोग देख लीजिए कि किस तरीके से मैं प्रैक्टिस करवाती हूँ लोगों को। ऊपर की तरफ अच्छे से लेके जाएंगे, हमारी गाइडलाइन है ये, इनको हमें कट करना है। तो गाइडलाइन को नहीं कट करेंगे, जस्ट इसको ऐसे कट करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। तो मैंने थोड़ी सी जगह पे क्लिप बिना म्यूट किए डाली हुई है, लेकिन उसमें बाहर की आवाज़ें बहुत ज़्यादा आ गई हैं। लेकिन जैसे मैं वहाँ पे एक्सप्लेन करते हुए आपको दिख रही हूँ, सेम वैसे सारी मतलब कटिंग में मैं इन लोगों को एक एक चीज़ बताते हुए चलती हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए, दो जो लेयर है उसको मैं कट कर ली हूँ। उसके बाद में मैं अब जो है अपनी स्टूडेंट्स को बोलूँगी कि अब आप करो। मैं बराबर साइड में खड़ी रहती हूँ, चीज़ों को देखती रहती हूँ। हाथों का मूवमेंट थोड़ा भी गड़बड़ होता है तो मैं उनको बताती हूँ कि आप इस तरीके से कॉम करो, इस तरीके से हाथ को मूव करो। ये देखिए, मैं इनको बोल रही हूँ कि हाथों को फ्री करो। होता है ना, स्टार्टिंग में इतना प्रैक्टिस नहीं होता ना, तो हाथ उतने फ्री नहीं होते। तो मैं इनको बोल रही हूँ बिल्कुल सीधा स्ट्रेट हाथ को ऊपर की तरफ लेके जाओ। और इनको बता रही हूँ कि जो छोटे हेयर हैं उसे कट मत करिएगा, जो बड़े हैं उनको कट करना। और ये देखिए, हाथ ये गलत रखी थी, अब मैं इनको बोल रही हूँ कि आप हाथ इस तरीके से थोड़ा सा मोड़िए, तो मैं इनका हाथ भी वैसा मूव की हूँ। तो ये छोटी छोटी चीज़ें भी मुझे बतानी पड़ जाती हैं, लेकिन एक बार बताने के बाद ये लोग इजीली कर भी लेते हैं, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ देखिए, मैं लेयर की रीचेकिंग भी बता रही हूँ।
तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लगा आज का वीडियो और कैसे लगी आप सबको मेरी ये टेक्निक सिखाने वाली। तो यहाँ पे देखिए, रीचेक करने के बाद मैं इनको बराबर समझाते चल रही हूँ कि ज़्यादा छोटा नहीं करना, जितना अनइवन लग रहा है सिर्फ आप उसे इस तरीके से कट कर देंगी। और एक ही जगह मैंने क्लिप म्यूट नहीं की, मेरे घर के जस्ट बगल में ही काम चल रहा है ना, तो बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं इस वजह से, अदरवाइज़ मैं बिना म्यूट किए ही आज डालने वाली थी, लेकिन इतनी आवाज़ इसमें रहेगी तो फिर आप लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे, फिर आपको मज़ा नहीं आएगा वीडियो देखने में। इस वजह से मैं फिर से वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो लास्ट वाली जो लेयर बची है उसको भी सेम वैसे ही कर लेना है। ये देखिए, आप देख सकते हैं छोटे छोटे जो हेयर हैं, यहाँ पे मैं इनको बता रही हूँ कि जो छोटा हेयर है उसको मत कट करिएगा इस तरीके से। पूरा इनको जो भी गाइडेंस है वो मैं देते हुए चल रही हूँ। यहाँ पे पीछे वाला कंप्लीट हो गया है और जो बॉक्स पार्टिंग में जो हेयर बचे थे उसको हम ओपन कर लेंगे, हाफ एंड हाफ डिवाइड करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा अभी सामने से भी करना बाकी है। तो सामने से मैं एक तरफ का मैं करने वाली हूँ और एक तरफ का मेरी स्टूडेंट्स करेगी, तो देखते चलिए कि कैसे करना है। और इनका हेयर काफ़ी लाइट भी है, लेकिन इस कटिंग के बाद देखिएगा बहुत ही ज़्यादा सुंदर लुक आने वाला है। तो सामने से मैं पहले यहाँ पे एक अच्छी सी गाइडलाइन देखिए क्रिएट कर दे रही हूँ ताकि उनको अच्छे से हेल्प मिल सके कटिंग करने में। दोनों तरफ को ये कट कर ली हैं। अब जो लास्ट वाले हेयर बचे हैं उनको भी वैसे ही कर लेना है। तो कटिंग में पता है कोमिंग भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, बहुत, जैसे पार्टिंग करना और उसको बिल्कुल प्रॉपर कटिंग करना, साथ ही साथ कोम किस तरीके से आप करेंगे ये भी बहुत मायने रखता है, हाथों के मूव के साथ साथ ये भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो ये देखिए, नीचे डाउन करते हुए कोम करें जो कि इस कटिंग के लिए सही नहीं है, तो हेयर कट क्या होगा, ख़राब हो जाएगा, जिस तरीके से हमें लुक चाहिए वो नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैं इनको बता रही हूँ कि आप बिल्कुल सामने खड़ी हो जाइए और सामने की तरफ ही कोम करते हुए हेयर को लाइए। और इनके हाथ से हेयर काफ़ी ज़्यादा स्लिप हो रहे थे और बार बार इनका देखिए हेयर ड्राई भी हो चुका है, जबकि मैं जो है बहुत बार इनके हेयर को गीला की हूँ, तो हेयर की क्वालिटी ना बहुत ही पतली है, जल्दी सूख जा रहे हैं। तो मैं इनको समझा रही हूँ कि आप देखिए इस तरीके से करेंगी, तो यहाँ पे कोम भी मैं चेंज कर दी हूँ, चौड़ी कोम यूज़ कर रही हैं और उसके बाद में इस तरीके से कट कर देना है। तो ये देखिए, ये दोनों तरफ का डन हो चुका है और उस
ये भी है कि आप लोग मुझे यूट्यूब पे इतना ज़्यादा प्यार एंड सपोर्ट करते हो, तो इंस्टा पे सपोर्ट क्यों नहीं करते? कम से कम वहाँ पे आप लोग मुझे फॉलो करिए। कुछ भी आपको डाउट है, कुछ भी पूछना है, तो वहाँ पे आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं वहाँ पे पर्सनली सबको रिप्लाई करती हूँ, और जिस तरीके से यहाँ सपोर्ट करते हैं, तो प्लीज़ प्लीज़ वहाँ पर भी आप लोग सपोर्ट करिए, अपना प्यार दीजिए। और इंस्टा आईडी आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ से चेक कर लीजिएगा। साथ ही साथ मैं आपको देखिए सेटिंग भी दिखा दे रही हूँ, एक साइड मैं करूँगी, एक साइड मेरी स्टूडेंट्स करने वाली है। तो बस टू पार्ट्स में डिवाइड कर देना है और इस तरीके से कर लेना है। ये देखिए, तो जैसे एक बार अभी मैं इनको बारीकी से एक एक चीज़ समझा रही हूँ ना, अब दोबारा समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये बहुत आराम से कर पाएंगी। और मैं आपको वो यही चीज़ बता रही थी कि फर्स्ट टाइम में ही ये बहुत प्यारा हेयर कट कर पाई हैं। और ये देखिए फाइनल जो लुक है कुछ इस तरीके से निकल के आया है कटिंग होने के बाद में। कुछ भी गलती नहीं हुआ, कुछ भी गड़बड़ नहीं हुआ कहीं पर भी, बहुत बहुत ही अच्छे से हेयर कट कम्प्लीट हुआ है। तो आप लोग बताना कि कैसा लगा आज का हेयर कट, और मेरे सिखाने का तरीका आप सबको कैसा लगा वो भी मुझे बताइएगा। ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय पे पहुंचे और वीडियो आप लोग टाइम पे देख सकें। फेस का लुक भी बहुत अच्छे से चेंज हो गया है, तो विदाउट कटिंग वाला फेस लुक भी आप देख सकते हैं। ये देखिए कुछ ऐसा दिख रहा था पहले, और कटिंग हो जाने के बाद में देखिए फेस का लुक कितना प्यारा लग रहा है। सो गाइस, कल और मिलते हो एक नई वीडियो के साथ में, तब तक ले बाय बाय, थैंक यू, लव यू, टेक केयर।